देखिए इस समय पूरे मुंबई में मुंबई कांग्रेस की तरफ से और हमारे जो उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के लोग हैं मुंबई में रहते हैं उनकी तरफ से एक उत्तर भारतीय ओबीसी समाज में एक जन जागरण का हम कार्यक्रम चला रहे हैं। और मुंबई में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 20-22 ऐसी ओबीसी जातियां हैं जो उत्तर भारत के राज्यों से आती हैं, बिहार से आती हैं, ये जाति के लोग फिर उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। ऐसे जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं वो अपने प्रदेश में तो बतौर ओबीसी रजिस्टर्ड है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है भारत के संविधान के हिसाब से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका चूंकि सरनेम महाराष्ट्र के ओबीसी जातियों के अनुसार नहीं है इसलिए उनके साथ भेदभाव होता है। एक बड़े पैमाने पर हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है मुंबई के उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी ओबीसी समाज को जोड़ने का और उनके साथ मिल करके सरकार के ऊपर दबाव डाल के इनके ऊपर इनको न्याय मिले, इनको भी इनका हक मिले, संवैधानिक और वैधानिक हक मिले, इसके लिए एक अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू हुआ है। और निरंजन पाल जैसे हमारे जो साथी हैं इस विषय को लेकर के पूरे गली गली में और हर मोहल्ले में और हर समाज के लोगों के पास जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके घर घर जा रहे हैं और एक जागरण तैयार कर रहे हैं और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर एक नए ढंग से पूरे उत्तर भारतीय ओबीसी समाज की एक महापंचायत बुलाई जाएगी जिसमें सरकार के खिलाफ जोरदार धावा बोला जाए। लेकिन मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ और मुझे इस बात का गर्व है, फख्र है। और हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं मुंबई में वो बहुत कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं और उनको जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं या फिर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको समय समय पर बहुत सताते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, यह देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है और इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और उनकी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है, उनके साथ एक एक विषय के ऊपर न्याय दिलाना हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और तमाम जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं उनका आशीर्वाद है जो इतना मुझ पर आस्था है और ये आस्था बनी रहे और मजबूत हो इस दिशा में मेरा लगातार प्रयत्न होता है। जैसे अभी इस समय मैं बोरीवली जा रहा हूँ और मुंबई के बोरीवली के जो फेरी वालों को सताया जा रहा है उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उस प्रदर्शन का नेतृत्व करने में जा रहा हूँ। तो हर गरीब को रोजी मिले, रोटी मिले, उसको रोजगार मिले, उसका हक उससे न छीना जाए, यह मेरा संकल्प है और इस संकल्प के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सर, राज ठाकरे जी बार बार उत्तर भारतीयों को यहाँ से भागने के लिए जाने के लिए बोलते हैं, आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब तमाशा करते हैं और इन बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्रीय या गुजराती यहाँ पे रहते हैं या मारवाड़ी समाज के लोग रहते हैं वो सब सबसे पहले भारतीय हैं और एक भारतीय होने के नाते हम सबको, देश के हर वर्ग को, देश के हर भाषाभाषी समाज को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के रहने, बसने और दो रोटी कमाने का संवैधानिक हक है और ये हक कोई उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन ऐसा कोई निदान, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि आगे ये लोग कभी हम पे हमला ना करें या फिर कोई सताए नहीं? जो ऐसे विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिनके मन में नफरत है, उनके नफरत को दूर करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर पूरे मुंबई में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पर हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग एक साथ एक मत से और एक 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 दूसरे के साथ भाईचारा और एक बंधुत्व का भाव लेकर के रहें। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जिसमें हर वर्ग को रोजगार की सुविधाएं मिले, चाहे मराठी भाषी हो या गुजराती भाषी हो, जो भी गरीब है वो हमारा है और उस हर गरीब को, चाहे उत्तर भारतीय हो दक्षिण भारतीय, लोग रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बड़ा शहर है, विराट शहर है, इस शहर का हृदय बहुत बड़ा है और यह शहर सबको पनाह देता है और जब सबको यह शहर पनाह देता है तब कुछ नेताओं को उनसे पनाह छीनने का कोई हक नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितनी तैयारी करनी हो कर ले, उनके बुरे दिन अब आ चुके हैं। उनको 4.5 साल हो गए सरकार में आए, पूरे देश को उन्होंने भगवामय किया, लेकिन भगवामय करने के बाद भी उस भगवे की कोख से जो विकास की राजनीति शुरू होनी चाहिए उसमें वो फेल हो गए। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो पूरी तरह से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो भी तैयारी करे कर ले, फायदा कुछ नहीं है क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं और राहुल जी आने वाले हैं। Oh,